स्लीप एपनिया के बारे में मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसनमुक्त भारत ये हमारा संकल्प है। लोग हमारे यहाँ खुद आके उनका इलाज कर लेते हैं या ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करते हैं। काफ़ी लोग ऐसे आते हैं कि उनको नींद रात को बराबर आती है, मगर दिन में उनको ऐसा लगता है कि थोड़ी सी नींद लिया तो अच्छा है, या स्लीपी स्लीपी लगता है उनको, ऐसा नींद आ रही ऐसा उनको लगता है, फ्रेश नहीं रहते वो। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने नींद लिया तो अच्छा रहेगा, और उनको नींद आती भी है। तो इसमें होता क्या है कि एक तो दिन में नींद आती है उनको, और उसका कारण ऐसा है कि एक कारण मतलब कि उनको रात में नींद में स्लीप एपनिया होता है। स्लीप एपनिया ये बीमारी है। तो स्लीप एपनिया से गहरी नींद नहीं आती रात को, और दिन में फिर थोड़ी थोड़ी नींद आना शुरू मतलब शुरू रहती है, या दिन में नींद आती रहती है। अब इसके कारण जो है वो अलग अलग है। एक तो है कि श्वास जो है वो बंद होता है और उसका उसके दौरे पड़ते हैं, मतलब बीच बीच में 10 से 50 सेकंड तक श्वास कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा, और बाद में एकदम फिर से चालू हो जाएगा श्वास, मतलब वो ऐसे दौरे आएंगे उसको, एपिसोडिक, बीच बीच में आता है। और वो दौरे में फिर वो 10 से 50 सेकंड तक वो श्वास एक तो लेंगा नहीं या फिर कम लेंगा। इसका एक रीज़न है कि श्वास नलिका जो है वो अवरुद्ध हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं उसको। श्वास नलिका जो है अवरुद्ध हो जाती है, वहाँ से फिर अंदर एयर जाती नहीं है। और फिर दूसरा कारण है श्वास लेने का प्रयास जो है वो कम पड़ जाता है, उसको बोलते हैं सेंट्रल स्लीप एपनिया। और इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये दोनों से भी है कि दिन में नींद आती रहती है। मोटर एक्सीडेंट जो होते हैं, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, उसका एक कारण ये है कि लोग इनको स्लीप एपनिया है, रात को सोते नहीं बराबर, और फिर दिन में गाड़ी जब चलाते तो एक्सीडेंट हो जाता है। स्लीप एपनिया से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, दिल के दौरे पड़ते हैं। ये स्लीप एपनिया ओवरवेट लोगों में ज़्यादा दिखाई देता है, ओवरवेट या प्राउड नागरिक जो है, सीनियर सिटीजन, एल्डरली, उनमें ज़्यादा दिखाई देता है। अब इसमें यदि कुछ कॉज मिलता है वहाँ कि भाई ऑब्स्ट्रक्शन क्यों हो रहा है, तो वो कॉज ठीक करना या फिर उनको एक साइड में सुलाना पड़ेगा, मतलब आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड। ऐसा सीधा सोएंगे वो तो ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाता है, तो एक साइड पर सुला देना है। और कोई कॉज मिलता है क्या वो देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई कारण से उनको स्लीप एपनिया होता है क्या। स्लीप एपनिया यदि ठीक करेंगे तो रात को लोगों को अच्छी नींद आएगी, गहरी नींद आती है, अच्छी नींद आती है तो उनको दिन भर फ्रेश लगेगा, अच्छा लगेगा, और एकदम फ्रेश मूड में व्यक्ति काम कर सकता है। मगर ये डायग्नोस होता नहीं है स्लीप एपनिया, तो ये डायग्नोसिस होना जरूरी है। और वो ज़्यादातर उनके साथ सोने वाले जो लोग हैं ना, वो भी बोल सकते हैं कि देखो ये बीच बीच में खर्राटे मारते हैं, बीच बीच में ऐसा लगता है कि सांस बंद हो गई और फिर एकदम शुरू हो जाती है सांस। तो ऐसे जो लोग साथ में जो सोते हैं वो भी बोल सकते हैं इसके बारे में। और वो व्यक्ति भी जब बोलता है कि मेरे को दिन में नींद आती है, उसके लिए क्या करूँ, तो फिर उसका डायग्नोसिस करने के लिए शुरुआत करनी पड़ती है। डायग्नोस करके स्लीप एपनिया पहला डायग्नोसिस हो सकता है, तो इसका इलाज होना जरूरी है। आप इसका इलाज साइकियाट्रिस्ट से या फिर आपके जो डॉक्टर फिजिशियन उनसे सलाह करके इसका इलाज कर सकते हैं। और इलाज होने के बाद में एकदम फ्रेश जीवन, मतलब फ्रेश दिन उसका जाएगा, और एंथुजियास्टिकली, एनर्जेटिकली वो दिन में काम कर सकेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।